हाँ जी, मेरे हस्बैंड मिस्टर एच के पास ही लास्ट 30 ईयर्स से 40s में पेशेंट डॉक्टर मुरलीधरन के हैं। इन बिटवीन डायबिटीज़ के साथ साथ इनको 2006 में हार्ट की डिजीज़ हो गई और यहाँ यहीं पर इनका बाईपास सर्जरी हुआ प्लस वॉल्व चेंज हुआ। उसके बाद फिर हम रेगुलरली यहाँ पर आते रहे, धीरे धीरे इनकी डायबिटीज़ बढ़ गई। रिसेंटली इस 3 महीने पहले इनके पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ और थोड़ा सा कलर चेंज हुआ। मैं इमीडिएट डॉक्टर सुदेश प्रभाकर उनके पास आई, उन्होंने मुझे देखा और इमीडिएट उन्होंने मुझे कहा कि आज ही आप डॉक्टर जिंदल को मिलने जाना। जब हम उनसे मिले, उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख करके नेक्स्ट डे बुलाया। मैं जब सारे टेस्ट लेकर के आई, उन्होंने मुझे कहा करके कि हमें शायद गैंग्रीन का डाउट है, लेकिन हम पहले इनकी एंजियोप्लास्टी और बलून सर्जरी करेंगे और इनके अंगूठे को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने बहुत जल्दी यहाँ पर रश किया है और वो डिजीज़ पकड़ में आ गई है। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने इन्हें एडमिट किया, इनकी एंजियोप्लास्टी और बैलून सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हुई। उसके बाद इनको हर हफ्ते वो बुलाते थे और वो धीरे धीरे इनका अंगूठा उन्होंने बचा लिया और गैंग्रीन का भी डाउट चला गया। और हम हर वीक आते हैं और डॉक्टर जिंदल उनकी पूरी टीम हमें बहुत प्यार से कॉपरेट करते हैं। सारी मेडिसिन से उन्होंने इनको ठीक कर दिया और आज 4 फरवरी को मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अभी और 1 महीने के अंदर अंदर जो उनकी 1% 100 में से डिजीज़ रह गई है वो भी क्योर हो जाएगी। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीम। शुक्रिया।